Actress Radhika Madan has opened up about her character Rani in the film Sarfira, stating that the character's fiery, driven and independent personality traits drew her to the role. In a recent interview, Madan revealed that she chose to become an actress because she gets easily bored with her life and wants to take on challenges. She found Rani's character to be a perfect fit as it offered her the opportunity to explore a complex and dynamic personality. Actress Radhika Madan said, "Rani as a character is very fiery, driven and independent. These qualities in her attracted me. I became an actress because I get easily bored of one life. I wanted to do something that challenges me a lot." Rani as a character is very fiery, very driven, independent. तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज़ जो उसकी थी वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था बिफोर जी मेरा. मैं खुद से हमेशा यही सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों एक्टर बनना चाहती थी. मैं एक लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. मुझे अलग अलग लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है. आई थिंक ये एक सोल रीज़न है जो मुझे यू नो मेरी चॉइसिस को इफ़ेक्ट करता है जो भी मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में लेती हूँ. इसके अलावा एक और चीज़ है जो है कि वो चीज़ मुझे डरानी चाहिए, बहुत चैलेंज करनी चाहिए. सो मुझे हमेशा लोगों ने बोला है कि मैं दिल्ली की लड़की की तरह साउंड करती हूँ, जो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट इज़ वेल. पर यहाँ पे एक मौका मिला था महाराष्ट्रन लड़की प्ले करने का, तो उसकी डायलैक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कहाँ से आती है, उसकी ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आया. रानी को हमने ढूंढा था. मेरी डायरेक्टर बहुत क्लियर थी रानी के विजन को लेकर कि उसमें कितनी ड्राइव होगी, वो कितनी फायरी है, कितनी क्लैरिटी है उसमें. सो वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम फाइंडिंग रानी एंड रानी सोल. सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. मैं तो आपको बोलूँगी आप मराठी आप जाके देख के ही आए. अभी कुछ मत सुनिए, आप पैसे खर्च करिए और थिएटर में देख के आइए. हमने मराठी में मराठी की क्लासेस ली थी फॉर गुड 2-3 मंथ्स एंड मराठी गाने सुने थे मैंने और बॉडी लैंग्वेज. एक लोकल सलून है वहाँ पे सिर्फ मराठी बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे सर्विसेज कराने चली जाती थी, नेल सर्विसेज या कुछ. सो आई थिंक ये इन चीज़ों ने काफ़ी मेरी मदद करी. आई थिंक जितने सपने मेरे अधूरे रह गए थे वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पूरे कर लेती हूँ. लाइक मैं कॉलेज नहीं गई, मैं 17-18 साल की उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, कंप्लीट नहीं किया था कॉलेज. तो जब मैं अंग्रेज़ी कर रही थी तो मुझे वो कॉलेज का सपना थोड़ा पूरा हुआ कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या कैसे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके कैसा फील होता है. या मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो मैंने एक फिल्म करी थी कच्चे लींबू, तो उसमें मैंने वो सपना पूरा कर लिया. तो मुझे लगता है कि जो मेरे खुद के अधूरे सपने रह गए थे वो कहीं ना कहीं मैं अपने किरदारों के थ्रू पूरे कर लेते. आई थिंक व्हेन यू वर्क विद अ पर्सन लाइक अक्षय कुमार, इट्स वे ईजियर टू शूट इन एरियाज विच आर रिमोट. ज़्यादा शांति होती है, ज़्यादा फोकस होता है, पीछे से लोग चिल्ला नहीं रहे होते इतना. टाइम के बहुत पक्के हैं. मुझे याद है एक दिन हमारा मुझे सुबह के 4 बजे का कॉल टाइम दिया हुआ था और मैं थोड़ा कॉल टाइम से पहले आ जाती हूँ, तो मैं 3:50 पे आ गई होंगी थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए या थोड़ा कि हाँ मेरे को 4 बजे का दिया, मैं 3:50 पे आती हूँ. अब मैं अपनी वैनिटी में घुसी और एक AD भागते भागते आया और उन्होंने बोला जल्दी रेडी हो. मैंने जल्दी क्यों रेडी हो, मैं तो पहले आई हूँ कॉल टाइम से, मैं आराम से अपना टाइम लूँगी जो भी आपने मुझे दिया है सेट पर टाइम आने का. कितने अक्षय सर 3:30 के आए हैं. सो मैं जितनी भी प्रोफेशनल हो जाऊँ वो मुझसे एक कदम आगे ही थे. एंड ही इज़ अ थारो प्रोफेशनल एंड आई लव दैट क्वालिटी अबाउट हिम. मुझे बहुत खुशी होती है. आई थिंक मुझे जब मैं काम कर रही होती हूँ तब सिंक इन नहीं करता कि मैंने किन लोगों के साथ काम किया है, क्या किस डायरेक्टर के साथ किया है. मैं सिर्फ स्टोरी पे फोकस करती हूँ, कैरेक्टर पे फोकस करती हूँ. मुझे सिंक इन करता है जब या तो मैं ट्रेलर देखती हूँ या मैं अपना नाम पढ़ती हूँ, तब मैं बहुत रोती हूँ. हर स्क्रीनिंग पे जब भी मैंने वो क्रेडिट पे अपना नाम पढ़ा है तो तब रियलाइजेशन होती है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तब रोना आता है. और मैं जब लेफ्ट पे देखती हूँ, यूजुअली मेरी पहली स्क्रीनिंग अपने पेरेंट्स या फैमिली के साथ होती है,
तो वो भी रो रहे होते हैं जब भी वो नाम आता है, वो खुद रो रहे होते हैं, तो हम एज अ फैमिली सिर्फ रोती हैं। हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि मैं अलग अलग किरदार लेके लोगों के सामने आऊँ, एंड उसी फिलॉसफी से मैं चल रही हूँ। एंड अभी जो मेरा अगला प्रोजेक्ट है दैट्स कॉल्ड रूमी की शराफत, दैट्स माई फिफ्थ प्रोजेक्ट विद मैडॉक, इट्स अ कॉमेडी। एंड एक और फिल्म है सना, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जा चुकी हैं, थोड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं जिसको, वो भी इसी साल आएगी। न्यूज डेस्क, कौमुदी ग्लोबल।